कुमार को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी विनोद कुमार मिश्रा ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि नोडल अधिकारी रश्मि मिश्रा ने हनुमानगंज थाना के अंतर्गत थाना में एक गांव की पीड़िता का बयान दर्ज किया और जांच के अंतर्गत किशोरी के पिता ने जांच अधिकारी के सामने बताया कि हम दौड़ते दौड़ते थक चुके थे, लेकिन हमारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। वहीं घटना को लेकर एसएचओ पर समझौते का भी आरोप लगाया है और इस मामले को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र ने गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष हनुमानगंज विनय कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं स्थानीय पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी कैलाश चौहान को हिरासत में लेकर कार्रवाई करने में जुट गई है। पंचायत हमसे कराया